वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन अलग अलग टाइप के दिए। तो इन दियों को हम अभी पेंट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के दिए से। तो ये जो दिए हैं वो मैंने लोकल स्टोर यानी कि जो रोड साइड पे होते हैं, जो छोटे पौधे बेचते हैं, उनके पास से मैंने ये ख़रीदे थे। और इनको मैंने 15 से 20 मिनट पानी में भिगो के रखा था और फिर धूप में सुखाया था ताकि इसके ऊपर का जो वाइट लेयर होता है या फिर जो इनका अनफिनिश्ड लुक होता है, इसमें धूल मिट्टी सब जमा होती है, वो निकल जाती है और ये बिल्कुल अच्छा पेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब हम इसे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ कलर्स आप आपकी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एक्रेलिक कलर्स लिए हैं और कुछ मैंने मेटालिक कलर्स लिए हैं। सारे जो कलर्स हैं वो अभी फेविक्रिल के हैं। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा फ्लावर डिज़ाइन है और ये सब जो मोटिव है। तो डिज़ाइन के हिसाब से नहीं, आप कैसे भी इसे पेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, यानी डिज़ाइन देख के आपको जो कलर दिमाग में आए वो। तो मैं ये जो फ्लावर पार्ट है उसको मैं ये पिंक कलर करना चाहती हूँ। फ्लावर पेंट हो चुका है। अंदर जो बॉर्डर लाइंस है उसको हम एक पतले ब्रश से पेंट करेंगे। देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से पेंट हो गया है। अब हम ये सेंटर पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है स्पार्कलिंग रेड पर्ल पॉपी रेड कलर। कंप्लीट हो जाने के बाद इसके अंदर जो बीच बीच में छोटे छोटे होल्स हैं उसमें अगेन हमने जो ये साइड में कलर किया था वही इस कलर हम इसके बीच में करेंगे। के बीच में जो लाइंस है हम अभी उसे कलर करेंगे और उसके ऊपर हम करेंगे इस तरीके से। आपने पूरे कलर कर देने हैं। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने येलो कर दिया है पूरा और मैंने बीच में भी कुछ येलो डॉट्स किए हैं। अब हम ये साइड की बॉर्डर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कलर करेंगे और उसे हम करेंगे स्पार्कलिंग पर्ल एमराल्ड ग्रीन कलर से। ये जो ब्लू है अभी हम वो यूज़ करेंगे। तो
बाद में हम इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन करेंगे। ओके, सो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और इसके किनारे भी मैंने कवर कर दी है। मैंने ये नीचे पोर्शन कलर नहीं किया क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा इतना, बट ये साइड्स मैंने कर दी है। तो अभी हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ गोल्डन कलर, ये कैमल का गोल्डन कलर है। इसे लेकर हम ये जो बीच की लाइन है उसे कवर कर देंगे। गोल्डन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें पिंक कलर यूज़ करेंगे। ये जो बीच के लाइंस है इसे मैं पिंक कर दूंगी। अब हम फाइनली ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। डिज़ाइन हो गई है कंप्लीट। इसी तरह से मैंने ये दूसरे दिए पे भी सेम डिज़ाइन कर दी है। तो ये बिल्कुल अच्छी डिज़ाइन है और एकदम इजी में आप इसे कर सकते हो। सो ये जो दिया है ये सेकंड डिज़ाइन वाला दिया है और इसमें मैं लाइट पिंक, येलो, ग्रीन, देन लाइट ग्रीन, पर्पल और ब्लू कलर यूज़ करने वाली हूँ। तो इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लाइट पिंक कलर। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ डिज़ाइंस है, तो उन डिज़ाइंस को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले मैं पिंक कलर के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। पिंक कलर का कंप्लीट हो गया है, अब हम ब्लू कलर करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट
ड्राई हो रहा है हम ये बॉर्डर्स को कलर कर देंगे और साइड पे मैं पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। जब तक ये ड्राई हो रहा है हम लोग करेंगे येलो कलर। सो ये है अपनी थर्ड डिज़ाइन। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर। कंप्लीट होने के बाद अब हम पिंक कलर करेंगे। डॉट्स हाईलाइट करेंगे। अब हम येलो कलर लेंगे।
सकते हो ये कितनी अच्छी पेंट होके रेडी हो गई है बाकी दिया की तरह। और फिर मैंने पेंट कर लिया है तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड इन तीनों में से कौन सा दिया सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ।